हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीबीवीएन ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट्स, एज अ टॉपिक ऑफ अल्फाबेट इज कंटिन्यू, ओके। हम अपने अल्फाबेट के टॉपिक को ही कंटिन्यू रखेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने कैपिटल लेटर्स पढ़े एंड हमने सीखा दैट वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स कौन से होते हैं, उनको हमने सेपरेट किया। आई होप कि जो ये जो टॉपिक है वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स का, इट्स सो मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ओके। सो अल्फाबेट के टॉपिक को कंटिन्यू रखते हुए हम आज सीखेंगे स्मॉल अल्फाबेट्स, ओके। स्मॉल अल्फाबेट्स में हम सीखेंगे लाइक हाउ टू राइट स्मॉल अल्फाबेट्स इन प्रॉपर लाइंस। स्मॉल अल्फाबेट्स को हम प्रॉपर लाइंस में कैसे लिखते हैं, ओके। जब आप अल्फाबेट को, लेटर्स को प्रॉपर लाइंस में लिखना सीख जाएंगे, दैट योर राइटिंग विल बी इफेक्टिव एंड सो ब्यूटीफुल। आपकी राइटिंग सुंदर हो जाएगी एंड इफेक्टिव हो जाएगी, ओके। स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है कि आप स्मॉल अल्फाबेट्स को प्रॉपर लाइंस में कैसे लिख सकते हैं, ओके। सो शैल वी स्टार्ट? लुक, वॉच केयरफुली स्टूडेंट्स, देखिए ए, ओके। ए को हम कौन सी लाइनिंग में लिखेंगे? जो मिड की टू लाइंस होती है उनमें हम क्या लिखेंगे? ए, ओके। देन कम टू बी, बी देखिए, बी को हम जो ऊपर की थ्री लाइंस है वो कवर करेंगे, ऊपर की थ्री लाइंस में हम बी लिखेंगे। देन कम टू सी, सी भी हम जो मिड की टू लाइंस होती है उनमें हम सी लिखेंगे। देन डी, डी को ऊपर की जो थ्री लाइंस है उनको कवर करेंगे, ओके। देन कम टू ई, ओके स्टूडेंट्स, ई हम कैसे लिखेंगे? वॉच केयरफुली, ई भी जो मिड की टू लाइंस है उनको कवर करती है, ओके। देन एफ, एफ ऊपर की थ्री लाइंस को कवर करती है। देन जी, जी नीचे वाली थ्री लाइंस में हम जी लिखेंगे, ओके स्टूडेंट्स। नाउ कम टू एच, एच कैसे लिखा जाता है? वन टू थ्री, एच भी ऊपर की जो थ्री लाइंस है उनको कवर करता है। आई, मिड की टू लाइंस है उनमें आई लिखा जाता है। जे नीचे आता है, नीचे की जो थ्री लाइंस है उनको कवर करता है। के ऊपर वाली थ्री लाइंस को कवर करता है। एल ऊपर की थ्री लाइंस को कवर करता है। देन एम किस पे लिखा जाता है? एम भी जो मिड वाली टू लाइंस है उनको कवर करता है, ओके स्टूडेंट्स। देन कम टू एन, एन भी मिड की टू लाइंस को कवर करता है। ओ भी मिड में लिखा जाता है। पी को देखिए, पी जो नीचे की थ्री लाइंस है उनको कवर करता है, ओके स्टूडेंट्स। वॉच केयरफुली एंड रिकॉग्नाइज द लेटर्स, की लेटर्स प्रॉपर कौन सी लाइन में लिखा जाता है, ओके। क्यू, नीचे की थ्री लाइंस में हम क्यू लिखते हैं। आर, आर मिड में लिखा जाता है। एस भी मिड में लिखा जाता है। टी ऊपर की थ्री लाइंस को कवर करता है। यू मिड में लिखा जाता है। वी भी हम मिड में लिखते हैं, ओके। देन और डब्ल्यू, डब्ल्यू भी मिड में लिखा जाता है। एक्स भी मिड में लिखा जाता है। वाई हम नीचे की थ्री लाइंस को कवर करते हैं। जेड भी मिड में लिखा जाता है, ओके स्टूडेंट्स। तो ये स्मॉल अल्फाबेट्स है। स्मॉल अल्फाबेट्स को आपको लिखने के लिए आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है ताकि आप हैबिट में आ जाए। यू कैन बी हैबिचुअल ऑफ राइटिंग स्मॉल अल्फाबेट्स इन प्रॉपर लाइंस, ओके। आप जब इनकी प्रैक्टिस करोगे इन लेटर्स को, तो आपकी हैबिट में आ जाएगा एंड आपकी राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आपकी राइटिंग उतनी ही अच्छी होगी, ओके स्टूडेंट्स। वैसे तो आपने जो ये प्राइमरी क्लासेस प्रीवियस की आपने जो केजी प्रेप क्लास पढ़ी है एंड उसमें आपने अल्फाबेट सीख ली होगी आई होप, बट हो सकता है आप कहीं जाके लैकिंग हो। अगर नहीं हो, आप परफेक्ट हो देन गुड, बट अगर नहीं है देन आपके घर पे प्रैक्टिस करनी है स्मॉल लेटर्स को प्रॉपर लाइनिंग में लिखने की। सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू राइट दीज लेटर्स इन योर फेयर नोटबुक एंड सेंड मी पिक्चर ऑफ योर होमवर्क, ओके। थैंक यू।